नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सिटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए बैक टू बैक गुड न्यूज है। बीएचयू पीएचडी एडमिशन के लिए जिन लोगों ने भी अपना रिसर्च प्रपोजल या सीयूटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था, उनका कॉलिंग इंटरव्यू रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को कल ही बताया गया बीएचयू रेट का रिजल्ट आ गया। अब मैं आज बता रहा हूं रेट एग्जामिनेट का भी आ चुका है। इट मीन्स फाइनली बीएचयू ने अपने साइट से आपको कॉलिंग के लिए रिजल्ट दे दिया। अब अपने वेबसाइट पे जाओ बीएचयू ऑनलाइन, वहां पे आप लोग के पास जो डिफरेंट डिफरेंट दो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ध्यान देना, रेट में रेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और रेट एग्जामिनेट में रेट एग्जामिनेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना फाइनली आप देख सकते हो कि आप क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड हो। इसी वीडियो में बताना चाहूंगा, चूंकि बार बार वीडियो ना बनाना पड़े, बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी करेंगे कि सर फर्दर नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट एक्चुअली। सो फाइनली अब ध्यान से सुनो, आप लोग का फाइनली ये पता चल चुका आप लोगों को कि आप क्वालिफाइड हो, ठीक है, आपके पास वो ग्रीन लाइन रिटेन आ रहा है डैशबोर्ड पे। तो भाई अब आपको चाहिए एडमिट कार्ड या बोल सकते हो कॉलिंग लेटर या कॉल लेटर। ये कॉल लेटर आपके इसी पोर्टल पे आने की संभावनाएं हैं आफ्टर होली। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये बहुत जल्द आगे की प्रक्रिया वे लोग करें। हाँ, होली के बाद मैं एक दिन पता कर भी लूंगा ऑफिस लेवल पे कि ये आपका जो कॉलिंग कॉल लेटर है ये कब तक आपको आपके पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। अब आपको यहाँ से दो काम करने हैं, एक अपना पोर्टल चेक करते रहना है, दूसरा आपको अपना ईमेल आईडी भी चेक करते रहना है। क्योंकि मे भी क्योंकि अभी थोड़ा सा व्यक्तिगत होने जा रहा है, यहाँ से पर्सनल होने जा रहा है, डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी लिस्ट, डिपार्टमेंट के बिटवीन और आपके बीच ये सब काम होनी है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो मेल के थ्रू भी आपको कांटेक्ट करे। सो फाइनली आप लोग अवेयर रहना थ्रू आउट योर ईमेल आईडी और अपनी वेबसाइट को चेक करते रहना। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप सभी देश के शिक्षक बनने जा रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि शिक्षक तो चाहे जो छोटा या बड़ा सब शिक्षक ही होते हैं। पीएचडी के बाद आपका शिक्षक बनना, क्योंकि आपका एम ही यही है, पीएचडी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप प्रोफेसर बनोगे, लेक्चरर बनोगे, तो एक सबसे बड़ा होता है पद के हिसाब से देखा जाए तो शायद देश का सबसे बड़ा पद है शिक्षक के तौर पे। तो आप सभी लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं, महादेव आप सभी को उन्नति दे, ऐसे ही सहयोग बनाए रखे और आप सभी लोग एक काबिल शिक्षक बने, अच्छे शिक्षक बने, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को आप शिक्षित कर सके, ठीक है। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। सहयोग के तौर पर आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट कर सकते हो, फर्दर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मेरी इंस्टा आईडी है निर्देशन, आप मुझे वहां भी फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हो। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट।